इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा का परिणाम आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने घोषित किया है। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद समय पे परीक्षा, लॉकडाउन के बावजूद समय से परिणाम देने के लिए मैं माध्यमिक शिक्षा परिषद के मंत्री, माध्यमिक शिक्षा के मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा जी, विभाग के राज्य मंत्री समेत विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रतिभाग करने वाले 52,57,000 से अधिक उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की। मेरिट में आने वाले जो हमारे छात्र हैं, वास्तव में उनकी मेधा और उनके परिश्रम ने आज देश के किसी भी राज्य के सबसे बड़े बोर्ड के टॉपर के रूप में उनका नाम उल्लेखित किया है और इस दिशा में इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के बोर्ड में सफलता प्राप्त करने वाले सभी जो हमारे मेधावी छात्र हैं, छात्राएं हैं, इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। उनके परिवारजनों को, उनके मित्रों को अपनी बधाई देता हूं। उन सभी विद्यालयों को, उन सभी सम्मानित आचार्यों को जिन्होंने योग्य मार्गदर्शन देकर के इन छात्र छात्राओं को इस योग्य बनाया कि वह किसी भी प्रतिस्पर्धा में अग्रणी स्थान प्राप्त करके टॉपर बन सके और आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा परिणाम में हमारे इन मेधावी छात्रों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का जो प्रयास किया, मैं इसके लिए इनको, इनके माता पिता को, अभिभावकों को, परिवार के सभी सदस्यों को, विद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमारे लिए संतोष का विषय यह है कि इस बार फिर से बालिकाओं ने स्थान प्राप्त किया है, ज्यादा स्थान प्राप्त किया, ज्यादा सफलता प्राप्त की है। मैं खासतौर पर अपनी उन सभी बालिकाओं को जिन्होंने सम विषम परिस्थिति के बावजूद अच्छा स्थान प्राप्त किया है, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय यह है कि कोविड-19 के बावजूद हाई स्कूल का परिणाम इस बार 83.31% रहा है और इंटरमीडिएट का परिणाम 74.63% रहा है, जो विगत वर्ष की तुलना में बेहतर स्थिति की ओर इशारा करता है। मैं एक बार फिर से डॉ. दिनेश शर्मा जी को और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने कड़ी मेहनत से परीक्षा संपन्न कराने और फिर कोविड-19 के बावजूद लॉकडाउन आदि की बहुत सारी बंदिशें थी, उस सब के बावजूद समय से जितने भी परीक्षार्थी थे उनकी परीक्षा की कॉपियों को चेक कराने और समय से इन सब को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके आज रिजल्ट को भी राज्य बोर्डों में, सबसे बड़े बोर्ड में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने परिणाम घोषित किया है। मैं इसके लिए उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। एक बार सफलतम होने वाले सभी परीक्षार्थियों को, इंटरमीडिएट बोर्ड या हाई स्कूल बोर्ड के हों, उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि वे निरंतर अपने परिश्रम से, अपनी मेधा से उत्तर प्रदेश और देश को अपनी प्रतिभा का लाभ आने वाले समय में देंगे। हम जरूर ध्यान रखें
कि पहली जुलाई से उन्हें मार्कशीट जरूर मिलेगी, लेकिन हम घर के बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहने, फेस कवर जरूर रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। बहुत जल्दी सरकार आगे की कार्य योजना पर भी कार्य कर रही है कि आगे हमें कैसे शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन करना है। भारत सरकार की गाइडलाइन आने और राज्य सरकार में भी इस संबंध में सभी संबंधित जो संस्थाएं हैं, बोर्ड हैं, उन सभी के साथ एक बार विचार विमर्श करने के बाद हम लोग फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। और मैं इस अवसर पर सफलतम सभी छात्र छात्राओं को हृदय से अपनी बधाई देता हूं।